साढ़े नाल ने गुरमीत सिंह जी शेट्टी एल ओ सी लैके एक विवाद उठाया है और उस तो बाद क्या जा रहा है कि गुमराह करके किया गया है, उस सारे इकट्ठा कर। देखो गुमराह करने की गल तो इस तरह हैगी कि फर्जी बिलों के उत्ते पेमेंट्स दिखाई गई ना, उत्तर दुकाना मिली ना, उत्तर फैक्ट्रिया मिली, नकली बिल पा के पेमेंट शो करके पेमेंट गुरु घर तो लुट ले गई। उस तो बाद पुलिस ने कोर्ट ऑर्डर तो बाद एफ आई आर लॉन्च करती, एफ आई आर तो बाद एक्यूज भज ना जाए इस करके कोर्ट ने एल ओ सी मतलब जारी कर दिता। हूँ इस बाद ही कोई करे क्योंकि मैं कह रहा जो चोर है या जिन्होंने कोई किसी तरह कानूनी सजा होती है वो भावें फांसी की होगी भावें किसी चीज़ की हो, अखीर तक राष्ट्रपति तक अपील करता है तो एक अपील करने का ढंग है। 340 चलते केस में एंटर करने का ढंग होंगे, लेकिन कोर्ट इस गल समझती है, कोर्ट के सब कोई हर चीज़ क्लीयर है, लॉ बड़ा क्लीयर है, वो दसदा कि किस स्टेज के उत्ते एक्यूज एंटर कर सकता है, किस स्टेज के उत्ते नहीं कर सकता, किस स्टेज के उत्ते बाकी सारे काम होंगे। तो उन्होंने जो 340 की केस में डिस्टर्ब करने की कोशिश की है वो एंटर करके भी नकली सबूतों के नाल पाया गया जी फलाना टिंगना, जिस तरह मैं गोल चोरी का केस जो मनजीत सिंह जीकर राणा के उत्ते पाया से उस तरह जो हरजीत सिंह सूबे का जो जनरल मैनेजर से उन्हें भी मेरे खिलाफ 340 लाई थी कि गुरमीत सिंह शंटी ने 300 मतलब नकली सबूतों के नाल केस लड़ रहा है। तो कोर्ट का मंडेट ने पर नहीं मन के उसको डिसमिस करता से, ठीक उस तरह इस 340 का असर भी वो होगा, नैक्सट डेट के उत्ते डिसमिस हो जाएगी। गुरमीत सिंह जी शंटी असं धन्यवाद कर रहे हैं, अगले फिर किसी प्रोग्राम में सांझ करांगे, फतेह के जावांगे, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।